माननीय राष्ट्रपति महोदय, मेरा नाम दीक्षा शर्मा है और मैं उत्तर प्रदेश कागज से हूँ। आज मैं बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ कि ऐसी विशेष सभा में आप सभी के सामने मुझे अकादमी के अपने अनुभवों को व्यक्त करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। अकादमी में 10 महीने की अवधि में कई विषय और कई क्षेत्रों का ज्ञान प्राप्त किया, परंतु जो चीज़ मेरे सबसे अधिक नज़दीक है वह यह कि शारीरिक रूप से सक्षम होने से आपके आत्मविश्वास में किस प्रकार वृद्धि होती है। अकादमी आने से पहले अकादमी की ट्रेनिंग को लेकर मेरे मन में कई सारी आशंकाएं थीं कि क्या यह सब कर पाना संभव होगा, परंतु ट्रेनिंग के दौरान दिए गए प्रशिक्षण से असंभव सी दिखती हुई चीज़ें भी संभव हो पाईं। फिर चाहे वो 16 किलोमीटर की दौड़ हो, 40 किलोमीटर का रूट मार्च हो, घुड़सवारी हो, तैराकी हो, क्लिफ जंपिंग या रिवर राफ्टिंग हो, शारीरिक रूप से सक्षम होने से मानसिक दृढ़ता में भी वृद्धि होती है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, यह कथन हम सभी बचपन से सुनते आए हैं, परंतु इसको पूर्ण होते हुए अकादमी में ही देखा है। आज भी आम जीवन में यह बहुत ही आश्चर्यजनक लगेगा कि कोई भी व्यक्ति न्यूनतम संसाधनों के साथ जंगल में 5 दिन किस प्रकार व्यतीत कर सकता है, परंतु अकादमी में दिए गए शारीरिक और मानसिक प्रशिक्षण का के ही फलस्वरूप हम सभी ने अपना ग्रेहाउंड अटैचमेंट सफलतापूर्वक पूर्ण किया। ऐसा ही सकारात्मक अनुभव हम सभी को ITBP अटैचमेंट का भी है, जहाँ पर स्लिदरिंग, रॉक क्लाइंबिंग, रैपलिंग जैसी दुर्गम चीज़ें भी सुगम लगने लगी। अंततः मैं यही कहना चाहूँगी कि मैंने यहाँ इस ट्रेनिंग में जिस प्रकार अपने आत्मविश्वास में वृद्धि की है, वैसा ही आत्मविश्वास मैं दूसरों में भी जगाना चाहूँगी। हमारी संस्कृति में कहे गए इस कथन कि पहला सुख निरोगी काया के संदेश को आज की युवा पीढ़ी तक पहुँचाना चाहूँगी। धन्यवाद सर। अब मैं अपने सह परिवीक्षाधीन अधिकारी केशव कुमार को अकादमी के अनुभवों को व्यक्त करने के लिए आमंत्रित करना चाहती हूँ। माननीय राष्ट्रपति महोदय, सादर अभिनंदन। मेरा नाम केशव कुमार है और मैं उत्तर प्रदेश काडर से हूँ। ये मेरे लिए अत्यंत गर्व का विषय है कि मुझे आपके समक्ष अपने प्रशिक्षण से प्राप्त अनुभवों को व्यक्त करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। मैं इस 10 महीने के प्रशिक्षण को गागर में सागर की उपमा दूं तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। मेरे अनुसार अकादमी में दिया जाने वाला प्रशिक्षण व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करता है। पुलिसिंग के मूल विषय वस्तुओं का ज्ञान यहाँ का मुख्य उद्देश्य तो है ही, परंतु इसके साथ मुझे खुद को ऐसे कई आयामों में विकसित करने का मौका मिला जो शायद कहीं और नहीं मिलता। वो चाहे नेतृत्व क्षमता हो, अनुशासन हो, आत्मविश्वास हो, सकारात्मक सोच हो, या शारीरिक एवं मानसिक रूप से सबल होना हो, इन सभी क्षेत्रों में इस प्रशिक्षण ने हम सबको तराशा है। इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के गैर सरकारी संगठनों के संपर्क से समाज के वंचित तबकों के प्रति हम सभी ने संवेदनशीलता का भाव मुखर हुआ है। इसके पश्चात अकादमी की वो एक चीज़ जो व्यक्तिगत रूप से जिसने मुझे सबसे अधिक प्रभावित किया है, वह है अपने भय से लड़ना। यह भय चाहे ऊंचाई से हो, पानी से हो, पहाड़ों से हो, घोड़ों से हो, लोगों के समक्ष बोलने से हो, इन सभी पर विजय प्राप्त करने को प्रेरित किया जाता है। अकादमी में हमने मन के हारे हार है, मन के जीते जीत वाली कहावत को सही सिद्ध होते हुए देखा है। हम अकादमी में सीखे हुए सभी बातों का राष्ट्र निर्माण में, समाज के सशक्तिकरण में, आम जनमानस के जीवन में सुरक्षा प्रदान करने में पूरा प्रयोग करेंगे। यह हमारा दायित्व है कि हमने जो अब तक समाज से लिया है वह उसे वापस करें। मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि हम सब अकादमी के सूत्र वाक्य सत्यम सेवा सुरक्षणम से प्रेरित हैं तथा इसके लिए प्रतिबद्ध हैं।